प्रोग्राम में आपके एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं जो मुल्क में मौजूदा आईनी बहरान है। आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, समाअत के बाद जो सूरत हाल इस वक्त तक सामने आई वो यही है कि एक बेयकीनी की कैफियत सामने आ रही है। इस वक्त पाकिस्तान में इस फैसले के बाद चाहे नतीजा जो भी हो, लेकिन इस नतीजे के बाद जो सूरत हाल वाजे हो रही है कि कोई भी फरीक इस हवाले से मुतमईन नजर नहीं आएगा कि अगर ये फैसला किसी बेक में आए, और ये पाकिस्तान में सियासत और सियासतदानों का वतीरा है कि अगर फैसला उनकी उम्मीदों के बरखिलाफ आ जाए तो वो किसी भी तौर पर उसको कबूल तो नहीं करते, बल्कि उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा खुल के तनकीद की जाती है। इस हवाले से हमारे साथ ज्वाइन करें जनाब हसन साबिर साहब, जो कि एडवोकेट भी हैं और सेक्रेटरी जनरल भी हैं पी एस पी के, सर इनसे जानते हैं कि आखिर मौजूदा अदलिया में जो मामला चल रहे हैं ये किस हद तक पेचीदा है और उसके असरात आवाम पे एक आम आदमी भी किस अंदाज से पड़ेंगे। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हसन साहब पहले तो आप मुझे ये बताएं कि एज अ पॉलिटिकल वर्कर और एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, आज हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की समाअत का असर इन्हों बॉयकॉट किया गया, हुकूमती इत्तेहाद के वकला ने भी आके ये बात चीफ जस्टिस को बताई, अब मुझे बताएं कि ये कितना बड़ा इम्पैक्ट है कि क्या पाकिस्तान में हुक्मरान जमात पाकिस्तान के इदारों के ऊपर शक व शुबात का इजहार कर रहे हैं या एतमाद नहीं है पाकिस्तान के इदारों पर? एज ए पोलिटिकल वर्कर, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ और एज ए पाकिस्तानी, अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है उस पर एतमाद और अदम एतमाद का सिलसिला पिछली कई दहाइयों से जारी है, और जिसके हक में फैसला आता है वो एतमाद का इजहार करता है और जिसके हक में फैसला ना आए वो जुडिशरी के ऊपर अदम एतमाद करता है। लेकिन ऐसी सूरत हाल क्यों बनी उसकी जिम्मेदारी भी हमारी जुडिशरी पर और मुतालिका जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनको है। तो अगर तो मुतालबा मेजॉरिटी का मुतालबा अगर ये हो कि उसको अगर जजेस पर एतमाद नहीं है, अपने जुडिशियल सिस्टम पर एतमाद नहीं है और वो चाहते हैं कि इसमें फुल कोर्ट के ऊपर जो है वो फैसला किया जाए, फुल कोर्ट बनाया जाए, तो इसमें कोई अभाम नहीं है, हो सकता है, इसमें कानून में दर्ज है, लॉ को रिलैक्स किया जा सकता है, रूल्स को रिलैक्स किया जा सकता है। देखिए जितने भी कानून हैं वो अवाम को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं, ना कि अवाम को और मजीद मुश्किल में डालने के लिए बनाए जाए। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है अगर वो इंटरनेशनली उसका सर्वे किया गया और 128 नंबर पर आता है तो ये भी एक बड़ी तशवीश की बात है, और उसके लिए जरूरी है कि हमारे अंदर से ही आवाज बुलंद हो, हमारे मुल्क के जो लीगल जस्टिस सिस्टम के साथ मुंसलिक लोग हैं वो इसकी बेहतरी के लिए काम करें, और बेहतरी जब घर से शुरू होनी तो घर से शुरू कर देनी चाहिए। तो जो हमारे जुडिशियल सिस्टम से मुंसलिक जितने भी इदारे हैं अगर वो इसको ठंडे दिमाग से सोचें और इस मसले का हल अगर वो निकालना चाहते हैं तो उनको निकालना चाहिए और उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले पहले पहली डिमांड जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से अगर आई है तो उसको एड्रेस कर दें। लेकिन हसन साहब एक वजह ये भी तो सामने ना कि अगर फुल कोर्ट का इंतजार किया जाता तो फिर ये समाअत सितंबर तक चली जाती, इसमें वक्त दरकार होता, और पाकिस्तान के एक बड़े सूबे पंजाब की बात करें इस वक्त टेक्निकली इसमें कोई हुकूमत नहीं है, कोई वजीर आला नहीं है, एक ट्रस्टी वजीर आला के तहत ये दो महीने तक मजीद मामला को तूल देना, क्या ये आपको लगता है कि सही फैसला होता? देखिए कराची में हो रही शदीद बारिश है और कराची में या किसी भी इलाके के अंदर अगर इस तरह की रेन इमरजेंसी में सरकारी मुलाजिमों की छुट्टियां मंसूख कर दी जा सकती हैं, उन तमाम सरकारी अफसरान को वापस अपनी ड्यूटी पर तलब किया जा सकता है, तो ऑनरेबल जजेस को क्यों नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लॉ आ गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आ गया जिस मुल्क कौम के मुस्तकबिल आईनी बहरान एक तरीके से तो ये भी एक आईनी बहरान की शक्ल इख्तियार कर गया, तो क्या जो मौजूद जज साहबान हैं वो अपनी छुट्टियां मंसूख नहीं कर सकते, क्या उनको बाद में छुट्टी नहीं मिल सकती? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन उन जजेस से जो छुट्टी पर गए हुए हैं क्या उनसे कंसल्ट कर लिया गया, नहीं किया गया, उनसे पूछ तो लेते कि क्या वो अपनी छुट्टी मंसूख करने को तैयार है, चले इसी तरह से ले लेते हैं, हो सकता है वो सबके सब जो बाकी जजेस रह गए वो छुट्टी अपने मंसूख करके आ जाते हैं। तो ये सिर्फ ये रीजन के वो छुट्टी पर है या सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पर है जी ज्यादा होगी, अगर तमाम सरकारी महकमों में छुट्टी मंसूख रेन इमरजेंसी में या किसी भी इमरजेंसी में की जा सकती है तो इस वक्त मुल्क इमरजेंसी में है भाई, इसके तहत भी और ये मेरा सवाल भी हसन साहब यही होगा कि इस वक्त कुछ ही देर में फैसला सुना दिया जाएगा, और आपको पता है कि पाकिस्तान में जो सियासी जमातों का एक वतीरा रहा है कि चाहे फैसला कुछ भी आए
हक में आए या खिलाफ आए, तनकीद कुछ हद तक होती है, कुछ हद तक ना खुश हमारे यहाँ लोगों के रवैये नजर आते हैं। अब जो इतनी बड़ी इस्तेदार जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद की थी जिसमें 12 जमातें शामिल हैं, वो मुस्तरद कर दी गई, अब इसके ऊपर जो भी फैसला आता है, अगर तो वो हुकूमत के हक में आ जाता तो शायद उतना बड़ा मसला ना हो हुकूमत की जानिब से, लेकिन अगर हुकूमत के खिलाफ आ जाता है तो फिर एक और आईनी बहरान जन्म लेता हुआ नजर आएगा आपको? देखिए मैं तो ये देख रहा हूँ, अगर पिछला 4 साल का दौर भी देखें तो पिछले की हुकूमत थी तो वो एहतजाज कर रही थी फैसलों के खिलाफ, और नून लीग के हक में आ जाए तो वो पीटीआई एहतजाज करती है, पीटीआई के हक में आ जाए तो नून लीग एहतजाज करती है। इस वक्त तो कॉन्फिडेंस किसी को भी नहीं है, और लोग जैसे मैंने अपने बताइए में कहा था कि हमारा जुडिशियल सिस्टम पर से जो लोगों का एतमाद खत्म होता चला जा रहा है उसको बहाल करने की जरूरत है। 128 से 28 नंबर पे भी आ जाए, पहले नंबर पे भी आ जाए तो उसका एक टाइम लगेगा, लेकिन टाइम आज से क्यों नहीं शुरू किया जाएगा? कौन आकर तब्दील करेगा? इससे जुड़े हुए लोग ही तब्दील करेंगे ना, हमारे हमारे सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर जुडिशरी तक, जहां पर लोग जो है डेली बेसिस के ऊपर ये डिफिकल्टीज करते हैं, ये रोजाना की बुनियाद पर प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको अगर ये देखें, ये सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर पास करती है वो एक प्रेसिडेंट बनता है, वो एक नजीर बन जाता है निचली कोर्टों के लिए। तो कल अगर कोई दो 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 फरीकैन अगर किसी सिविल जज के पास या किसी सेशन जज अदालत में अगर अदम एतमाद करेंगे और वो जज साहब अगर उस अदम एतमाद को मानने से इनकार कर देंगे तो पूरा जुडिशियल सिस्टम जो है वो एक डेडलॉक की तरफ चला जाएगा, और शायद 128 से 158 की तरफ चले जाएंगे जुडिशियल सिस्टम को लेके। उसको तब्दील करने की जरूरत है, और जरूर की है कि अगर फुल कोर्ट बन सकता था तो बना दिया जाना चाहिए, उसके ऊपर बैठकर फैसला करना चाहिए। इसको किसी किसी तौर पर भी किसी जमात को भी, किसी इंफरादियत शख्स को भी, या किसी जुडिशियल सिस्टम के इससे मुंसलिक लोगों को भी इसको अपनी जाती आना समझ। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर ये क्लैरिटी आ जाती, अगर ये क्लैरिटी आ जाती और अगर इस तरह का अगर मुतालबा किसी तौर पे मान भी लिया जाता, फुल बेंच ना सही, अगर जजेस की तादाद भी इस बेंच में बढ़ा दी जाती तो शायद कुछ हद तक मामला अब तजाद में नहीं आते, कोई इस तरह से तनकीद भी नहीं होती, लेकिन अब यकीन तौर पे जब भी फैसला आएगा उसके ऊपर सवालात उठाए जाएंगे। लेकिन साबिर साहब, हसन साहब, आपने जो बात की ना कि अदलिया का मामला, एक सवाल और भी है ना कि कुछ गुज़श्ता कुछ अरसे में जो पार्लियामेंट का जो किरदार था वो भी पूरी तरीके से अदा नहीं हुआ। पार्लियामेंट ने खुद अपने केसेस, जो जमहूरी कुव्वतों ने अपने केसेस आला अदलिया तक पहुँचाए, ये फैसले तो अदलिया तक पहुँचने ही नहीं चाहिए थे, ये तो असेंबलियों में पार्लियामेंट में तय होने चाहिए थे। ठीक बात है, मैं आपसे गुजारिश करूं कि अगर 63A का मामला जुडिशरी के अंदर या सुप्रीम कोर्ट में आया तो ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा है कि अगर आप किसी चोर को पकड़े और उससे कहें कि बेटा अपने से कानून खुद लिखो कि तुम्हारी सजा क्या तजवीज की जाए, ये जो पार्लियामेंट से मुतालिक कानून था 63A, उस 63A में अगर पार्लियामेंटेरियंस ने अपनी ही लिए, क्योंकि देखें ये जिन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग करनी थी वो उसी पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, उन्होंने कानून साधी क्यों करते भाई, वो क्यों उसके अंदर लिखते कि उनकी सजा का तय, फ्लोर क्रॉसिंग एक आम आदमी ने नहीं करनी थी, उस पार्लियामेंट के मेंबर ने ही करनी थी। मैं जो मिसाल दे रहा हूँ उसको उसको समझने की जरूरत है कि एक चोर को पकड़े और उसको कहें कि भाई पीपीसी के अंदर अमेंड करके बताओ कि तुम्हें कानून ने सजा कितनी दी जाए तुम्हारे लिए मुख्तसर, वो कभी भी नहीं लिखेगा। तो पार्लियामेंटेरियन जो फ्लोर क्रॉसिंग करते थे उन्होंने उसके अंदर कभी ये बात मेंशन करने की जरूरत ही महसूस नहीं की कानून साधी की। देखिए जो जो इदारा है, जो हम मुकन्नना जिसको जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, जिसका काम लेजिस्लेशन करना है, जिसका काम कानून साजी करके आवाम पर उसको उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, वो जब कानून साजी की बजाय अपने मफाद के लिए काम करेंगे, वो चाहे किसी की भी हुकूमत हो, पिछले आप 7 दहाइयों से जो देख रहे हैं, वो चाहे किसी की भी हुकूमत आ रही हो, उसने कानून साजी पर कोई तवज्जो नहीं दी, उन्होंने पर्सनल गेंस के लिए अपना जो है इस्तेमाल किया हुकूमतों का। मुझे देखकर दुख होता है कि आप अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मां सिवाय चंद लोगों के आप अगर उनकी स्पीचेस सुने जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर स्पीचेस करते हैं तो वो शायद उसमें कितनी चीजें ऐसी जो मतलब उनको करनी भी नहीं चाहिए थे। मेरे पास तो अल्फाज नहीं कहने के लिए कि शायद ये पढ़े लिखों को जेब भी नहीं देती जिस तरह की वहां पर स्पीचेस करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते, जिस तरह से पाकिस्तानियों के किरदार को, पाकिस्तानियों के की सकाफत को, इकदार को तहस नहस कर दिया जा रहा है। ये सारा का सारा जिम्मा है पार्लियामेंट के, जो हर दफा मुंतखब हुए आते हैं, 3-3 नस्लों से मुंतखब होके आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की फलाह और पाकिस्तान के लिए कोई काम नहीं किया। वो अमीर से अमीरदर होते चले जा रहे हैं, उन्होंने एक एक
एक फायदे की कानून साजी नहीं की। वो कवानीन जो 1835 1850 से लागू थे उसके अंदर तरामीम भी उस हिसाब से नहीं की जो आज की ग्राउंड रियलिटी से मैच करती हूँ। ये तो एक टर्म का मुकाम है। हमारे पास जितनी भी इस वक्त तक पार्लियामेंट आई है तमाम ने अपने पर्सनल गेंस किए, आवाम के लिए कोई काम नहीं किया। अच्छा हसन साहब, आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। इस वक्त फैसला कुछ ही देर में सुना भी दिया जाएगा, आपको लगता है कि फैसला आने के बाद ये आईनी बहरान, ये जो कश्मकश की सूरत हाल है, गैर यकीनी सूरत हाल है, ये काबू हो जाएगी? क्योंकि अब बाहर तो नजर नहीं आ रहा कि ये जो मामलात हैं संभलते नजर आए, दोनों फरीकैन के दरमियान कुछ सुलह होती हुई नजर आए, यहाँ पे सूरत हाल ये वाजे हो नहीं पा रही अभी तक। देखिए मैं तो एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ ये पढ़ के आया हूँ, देख के आया हूँ, समझ के आया हूँ कि जजेस खुद नहीं कहते ना बोलते हैं, जजेस के कलम से कलम जो है ना वो बात करता है। लेकिन यहाँ अब इसकी अगर इसी हम सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर रहेंगे कि हम इस वक्त जो फैसला होने जा रहा है तो उस फैसले को तो दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट सुना चुकी है। जिस तरह के रिमार्क्स और जिस तरह के उसके अंदर तो वाजे कर रहे हो, माइंड ओपन करके जजेस ने। अब इसीलिए तो वो जो दूसरी तरफ फरीक हैं वो फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं। जजेस अपना माइंड कभी ओपन नहीं करते, ना करना चाहिए उनको। दुनिया भर की अगर मिसालें देते हैं हमारे यहाँ दोनों तरफ से दी जाती हैं, तो उस पर ये चीज भी तो मद्देनजर रखी जाए कि अगर जज साहबान अपना माइंड ओपन कर देंगे तो भाई मेरे पास तो फिर आप रास्ता खोल रहे हैं ना, फिर मैं बात करूंगा। फलान आदमी जो है खतरे में, लेकिन हसन साहब ये भी तो सवाल है ना कि गालिबन दो रोज में 200 रुपए पर पहुंच गया, महंगाई का रेशो बढ़ता चला जा रहा है, बारिश से तबाहकारियां हो रही है, लेकिन इस तरफ ना तो मीडिया की तवज्जो है ना सियासतदानों की तवज्जो है। अब सब तवज्जो मजबूत है ऑर्डर के आएगा, ऑर्डर के बाद भी जो 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 कार्रवाई होगी आप वो देखिएगा कि वो अगर पीटीआई के फेवर में आएगा तो मुस्लिम लीग और उसकी इत्यादि जमातें नहीं मानेंगी, और अगर उनके फेवर में आके जो कि उम्मीद कम है तो पीटीआई नहीं मानेगी, फिर लोग सड़कों पे होंगे तो बेहतर है। लेकिन हसन साहब मुझे एक बात का जवाब आप देते हैं, आप तो तमाम तर मामला को बखूबी जानते हैं। गुज़िश्ता 2 से 3 रोज में आला अदलिया ने, उनके ऑनरेबल जजेस ने मुतअद्दिद दफा, अगर मैं काउंट करूं तो 25 से 30 दफा ये एक सवाल पूछा कि जिस रूलिंग का हमारे जिस फैसले का हवाला दिया जा रहा है वो किस पैराग्राफ के तहत दिया जा रहा है। ना डिप्टी स्पीकर पेश हुए, ना उनके वकला की जानिब से कोई क्लैरिटी दी गई। तो फिर अगर आला अदलिया फैसला सुनाती है तो वो तो हक बचाने पर, तो उसमें तो कोई तनकीद नहीं की जा सकती। लेकिन सर ये बात आपकी ठीक है, लेकिन जिस दिन नोटिस इशू किए थे उसी दिन उन्होंने बता दिया था कि हम कोई चीज नहीं लिखी है। टीवी के ऊपर टिकट मौजूद है जिसपे ऑनरेबल जज साहबान ने ये बात कर दी कि हमारे पैरा में ये चीज नहीं, हमारे किसी पैरा। देखिए एक इसको बड़ा सिंपल समझना चाहिए, ये मैंडेट है वो पार्टी लीडर का होता है, जो मैंडेट है वो चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का हो वो पार्टी लीडर का मैंडेट होता है, और उस पार्टी के लीडर के मैंडेट जरिए ही बाद में पार्लिमानी कमेटियां बनती हैं। पार्लिमानी कमेटी का पहले वजूद तो नहीं होता, वो वजूद तो तभी आता, वो पार्लिमानी लीडर जो है वो जो पार्टी का प्रेसिडेंट है, हेड है, चेयरमैन है, वही मुंतखब करता है। ये तो कानूनी, ये तो कानूनी बात कर रहा है, ये तो किताबों में अगर हमारे हमारे कानून में तरामीम नहीं है तो फिर आईन में लिखा था उसकी तशरीह गलत कर दी गई ना, तो इसीलिए तो वो अब पहले देखें मुतजाद आरा आती है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में, बिल्कुल आती है, लेकिन उनको बड़ा टाइम लग जाता है। वो 5 साल में कभी मुतजाद आरा आ गई किसी भी केस में आ गई, या उसको उन्होंने रीड्राइट कर लिया उस जजमेंट को, लेकिन ये 2 महीने के अंदर 1.5 महीने के अंदर उसी बेंच की एक जजमेंट पे दूसरी जजमेंट आ जाए तो एक बड़ा अजब अजब सूरत हाल बन जाएगी। तो ये किस सूरत हाल पैदा हुई है, इस वक्त पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक ही कोर्ट 2 तरह की जजमेंट देने जा रही है। अगर अगर मैंडेट पार्टी लीडर का नहीं है तो वो पार्लिमानी कमेटी के लीडर का कैसे हो सकता है? पार्टी लीडर चाहे मुंतखब होके ना भी आए लेकिन आवाम ने वोट उसको दिया। पाकिस्तान का सिस्टम ये, एक तरफ आप कहते हैं मौरूसी सियासत को खत्म करना है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि एक लीडर जो है वो उसके पास ओपिनियन डिफरेंट हो और वो डायरेक्शन कुछ और दे, और पार्लिमानी जो लीडर है वो कह के जी मैं मैंडेट की बात करें तो मैंडेट तो लीडर के पास है, ठीक है, तो फेस होता है उसी के पास है, बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। हसन साहब आपका आपका मौकफ आ गया और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन तौर पे जो इस वक्त आईनी बहरान इस वक्त मुल्क में नजर आता है वो आज के फैसले के बाद किसी भी तौर पे कहा नहीं जा सकता कि आईनी बहरान टल जाएगा। आज जिस तरीके से इस वक्त
जो मामलात हैं, जो मकालमात सामने आ रहे हैं, जो वकला और चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस साहिबान के दरमियान जो गुफ्तगू सामने आ रही है, उससे काफ़ी हद तक फैसला जो आने वाला है वो वाज़ेह है। लेकिन क्या ये फैसला काबिल कबूल भी होगा तमाम फरीकैन को, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करने का कहा जा रहा है, ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।